और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता, उन्होंने कल ही आशंका जाहिर कर दी थी। बड़ी खबर क्या है ये आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। केजरीवाल के घर पर रेड कर सकती है ईडी। ये आतिशी खुद केजरीवाल सरकार मंत्री आतिशी की तरफ से पोस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, पूछताछ के बहाने केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ही आशंका जताई गई थी। और आप देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर खुद दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ने बुधवार की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा और गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की। और बड़ी खबर एक और आ रही इस वक्त की, आपको बताया दिल्ली सीएम आवास से यह आ रही है। केजरीवाल के घर जाने वाले रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है, जो जानकारी सामने आ रही। सीएम आवास जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। सीएम आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोका गया है, तो यह बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही कि जो एक्साइज पॉलिसी, जो नई एक्साइज पॉलिसी शराब नीति का मामला है, अब इस पूरे मामले पर आज अरविंद केजरीवाल तक आ गई है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है ईडी, इस बात को लेकर आशंका जाहिर की गई है। और देखिए वहां पर अभी क्या हलचल है, क्या हो रहा है केजरीवाल के घर पर, इसके लिए सीधा रुख करते हैं केजरीवाल के घर से। हमारे संवाददाता सुमंत लाइव है और साथ साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर का भी रुख करेंगे, जहां पर जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े। लेकिन सुमंत, पहले आप बताइए इस वक्त क्या हो रहा है, केजरीवाल के घर के बाहर आप मौजूद है, क्या हलचल है, क्योंकि गिरफ्तारी तक की आशंका जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए करुणा, इस वक्त मैं सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, जो सीएम, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, उसके ठीक सामने मौजूद हूं। और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाहर आपको भले ही यहां आम दिनों की तरह दिखे, लेकिन चारों तरफ जो भी जो फ्लैग स्टाफ रोड की जो गेट है वहां पे जी। चलिए सुमंत, कुछ ऑडियो के साथ दिक्कत है, लेकिन आपके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं केजरीवाल के घर से, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। और आशंका इस बात की, देखिए तीसरी बार जो समन भेजा गया, अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना, इस बात की आशंका, इस बात का जो डर है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जाहिर किया गया। सुमंत आप बतला रहे थे, बतलाइए आप। सुमंत आवाज मिल रही है आपको, तो बतलाइए अभी वहां पर क्या हो रहा है, कब तक ईडी की टीम वहां पर पहुंच सकती है। इस बारे में तो कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरीके से सुबह पूरे इस सीएम हाउस और आसपास के इलाकों में हलचल है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई थी, उसके मद्देनजर इस पूरे फ्लैग स्टाफ रोड पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोनों जो गेट है वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया गया है। जो आसपास के लोग भी हैं, जिनके घर हैं, उन्हें पूछ कर आने दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त देखें, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, सीएम अपने आधिकारिक आवास में ही मौजूद हैं। तीसरा समन करुणा, कल तीसरी बार ईडी ने दिल्ली में शराब घोटाले मामले में तीसरा नोटिस दिया था, लेकिन कल आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया था कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है और अरविंद केजरीवाल लिखित में जवाब दिया गया था। लेकिन अब देर रात ही जो सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, इनके तरफ से ये ट्वीट करके कहा गया कि आज ईडी रेड मार सकती है और गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा सुबह से ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फ्लैग स्टाफ रोड पर जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीएम सिक्योरिटी के अलावा भी, अगर आप देखें, ये देखिए तस्वीरें कि ये दिल्ली पुलिस के जो जवान एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से यहाँ पे तैनात कर दिए हैं। सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी आए थे। यानी हलचल सीएम हाउस पर सुबह से ही देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर निश्चित रूप से करुणा, जब से ये तीसरी बार नोटिस दिया गया था, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए ईडी की तरफ से बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी का साफ तौर से कहना है ये केंद्रीय एजेंसी ईडी की अपनी कार्रवाई है। क्योंकि खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आपको बता दें दिल्ली आम आदमी पार्टी ऑफिस में जमा हो रहे हैं नेता, ये जानकारी सामने आ रही है।
ईडी सीएम आवास पहुंची तो आप विरोध करेगी, इस बात को लेकर पूरी आशंका है। विरोध प्रदर्शन की तैयारी में आम आदमी पार्टी के नेता, तो ये देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऑफिस में लगातार नेता जमा हो रहे हैं। ईडी सीएम आवास पहुंची तो आप विरोध करेगी,